देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने से लेकर सामाजिक सरोकार के लिए मोदी सरकार के कई अहम फैसले कैबिनेट में लिए गए। देश के पहले कॉरपोरेट बॉन्ड को भी दी गई हरी झंडी, तो निजी डेटा संरक्षण का किया गया प्रावधान। संसद के दोनों सदनों में कल कई जरूरी कामकाज देखने को मिले। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद में हुआ पास, तो तमाम मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए सरकार ने। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 विचार और पारित करने के लिए किया जाएगा प्रस्तुत। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कराधान संशोधन विधेयक 2019 भी विचार करने के लिए करेंगी प्रस्तुत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित महंत वैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को किया सम्मानित। प्रदेश विधानमंडल का 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होगा शुरू। सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने का होगा मौका। विधानमंडल का पहला विशेष सत्र महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को बुलाया गया था 36 घंटे के लिए। राठ तहसील में स्थित ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि में श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ब्रह्मानंद जी की समाधि पर श्रद्धांजलि की अर्पित। कहा, स्वामी ब्रह्मानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में की है अनोखी पहल। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बरेली। बरेली पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल, मलिन बस्ती, लाल फाटक पर बन रहे पुल और बारादरी थाने का किया निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित ढांचा ध्वंस की बरसी को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस ने कवायद तेज कर दी है। जिले में निषेधाज्ञा पहले से लागू है। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर लगा रखी है रोक। जिला पुलिस को गश्त, निगरानी और सतर्कता की दी गई हिदायत। पुलिस अधीक्षक ललितपुर कैप्टन मिर्जा मंजर बेग ने महिला सुरक्षा के प्रति एक और नई पहल शुरू की। ललितपुर में रात्रि के समय अब महिलाओं एवं बच्चों को आवागमन में नहीं होना पड़ेगा परेशान। ललितपुर पुलिस ने किया है अभिनव प्रयोग। राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापारी संपर्क अभियान 25 नवंबर से चलाया जा रहा है। 31 दिसंबर तक अभियान के माध्यम से अधिकतम जीएसटी पंजीयन 10 लाख का, व्यापारी दुर्घटना बीमा, व्यापारी पेंशन योजना, जीएसटी रिटर्न एवं व्यापारियों के लिए संचालित सरकार की योजनाओं के बारे में दी विस्तृत जानकारी। कानपुर होकर झांसी और इटावा की ओर जाने वाले यात्रियों को आने वाले एक महीने तक करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना। उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल के गोविंदपुरी भीमसेन रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 5 दिसंबर तक 34 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। बरेली के 4 बीटेक छात्रों ने एक ऐसे सूट का किया है निर्माण जो सफाई कर्मचारियों के गटर में करेगा रक्षा। छात्रों ने सूट का नाम स्वाभिमान कवच रखा है। स्वाभिमान कवच के प्रोजेक्ट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित स्टार्टअप कार्यक्रम में किया जा चुका है पुरस्कृत। वाराणसी में कल फीडिंग इंडिया के तहत हैप्पी फ्रिज का किया गया शुभारंभ। वाराणसी में फीडिंग इंडिया व्यापार मंडल एवं रेड एफएम के सहयोग से इस फ्रिज में घरों का बचा खाना रखा जाएगा, जरूरतमंद लोगों को उस खाने का किया जाएगा वितरण। सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर चौपन ब्लॉक के पश्चिमी क्षेत्र में कई गांव अज्ञात बीमारी की चपेट में हैं, जिसके चलते न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बूढ़े भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं। पिछले 2 महीने से इस बीमारी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो जाने की भी जताई जा रही है आशंका। रिलायंस जियो अपने नए ऑल इन वन प्लान की घोषणा कर दी है। ग्राहकों के लिए 6 दिसंबर से ये प्लान लागू होंगे। पिछले टैरिफ प्लान के मुकाबले ये 40% तक होगा महंगा।